अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद। सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद, स्वागत है। जो नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चेयरमैन को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। आपको पता है कि बिहार मदरसा बोर्ड में लगभग एक साल, जनवरी के बाद फरवरी का मंथ था, एक साल तेरह, लगभग 13 महीना हो गया, अभी तक चेयरमैन नहीं है। तो सदर साहब ने चेयरमैन को लेकर बहुत ही अहम बात कही है। अहम बात क्या कही है, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखिए, मदरसा बोर्ड में चेयरमैन जल्द बहाल किया जाए। मौलाना इमरान सिद्दीकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिहार सरकार से कि मदरसा बोर्ड में जल्द से जल्द चेयरमैन बहाल किया जाए। आपको पता है कि 13 मंथ हो गए चेयरमैन को गए हुए, अभी तक चेयरमैन नहीं बने हैं। देखिए, पटना 3 जनवरी प्रेस रिलीज, 2459 प्लस ऑल बिहार मदरसा टीचर एसोसिएशन के ज़िला सदर मधुबनी मौलाना मोहम्मद इमरान सिद्दीकी ने हुकूमत बिहार से मफाद आमा में तरजीही बुनियाद पर गैर इमदाद याफ्ता मदारिस को पेमेंट के ज़मरे में लाने के लिए गैर मामूली ताखिर से हो रही है, दुश्वारी और परेशानियों का असाजा मदारिस को सामना है। देखिए, बता रहे हैं कि 2459 प्लस एक को लेकर जो असाजा की बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो रही है, तो इसके ऊपर भी आप ध्यान दें। किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो बिहार सरकार से कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से कर रहे हैं। देखिए आगे क्या कहा, बराबर मुख्तलिफ ज़राए से अरबाब हुकूमत की तवज्जो दिलाई जा रही है, मगर अफसोस सद अफसोस साल भर से चेयरमैन का ओहदा खाली रहने की वजह से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। ये बता रहे हैं कि एक साल हो गया, बहुत ही अफसोस की बात है कि बिहार मदरसा बोर्ड में एक साल से चेयरमैन का पद खाली है, मगर अभी तक बिहार सरकार ने कोई भी अच्छा फैसला अभी नहीं लिया, या फिर बिहार सरकार ने चेयरमैन को लेकर कुछ बातें भी बोली है, अभी तक आप चुप क्यों हैं। देखिए, जबकि संकल्प 1090 पत्रांक 162 के पेश नज़र 1987 में बड़ी तादाद में मदरसा का रजिस्ट्रेशन हुआ। देखिए, बता रहे 1987 में बड़ी तादाद में मदारिस का रजिस्ट्रेशन हुआ, आज तकरीबन 35 साल हो गए। 1987 से आज 2023 तक लगभग 35 साल हो गए, आज भी हक़ुल मेहनत मुशायरा के लिए असाज़ा मदारिस तरस रहे हैं। देखिए, बता रहे हैं कि असाज़ा जो हैंगे मदारिस के अभी तक तरस रहे हैं, 35 साल हो गया। बिहार सरकार ने 15/2/2023, देखिए 15/2/2023 को 2459 प्लस एक मदारिस को ग्रांट देने का ऐलान किया था। देखिए, ये बता रहे हैं कि 15/2/2023 को आपने ग्रांट जारी करने का ऐलान किया था, जिसके लिए बिहार सरकार ने वजीर खजाना वित्त मंत्री की हिमायत से 1,08,40,20,000 रुपया मंजूरी दी। देखिए कितनी बड़ी अमाउंट है, देखिए 1,08,40,20,000 रुपये की मंजूरी दे दी गई है बिहार सरकार की तरफ से। 1090 की शरायत को पूरा करने वाले मदारिस को 205,609 कुल 814 मदारिस पेमेंट के ज़मरे में आया, और बाकी मानदा मदारिस की रिपोर्ट होकर बार बार ज़िला मदरसा बोर्ड से सचिवालय आती जाती रही है, इसका कोई परेशान हाल नहीं हुआ। देखिए, बता रहे हैं कि जितने और भी जो मदरसे हैं, 814 मदरसे हैं, मदरसा बोर्ड के जो सचिवालय से आती जाती रही, आप इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन परेशान हाल नहीं। और मैं हुकूमत बिहार से मुतालबा करता हूं, 1646 फाइल अभी बाकी है, इसे जल्द से जल्द ग्रांट जारी करें, और मौजूदा सूरत में बग़ैर चेयरमैन के बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना का निज़ाम दरहम बरहम है, और कोई अहम काम चेयरमैन की अदम मौजूदगी में नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये बता रहे हैं कि जो मौजूदा जो हाल है, ये सूरत हाल है बिहार मदरसा बोर्ड का, क्या हो गया, दरहम बरहम हाल हैगा। जो अच्छा काम है, आपको पता है कि कोई जो अहम काम है, बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ना होने की वजह से अहम काम नहीं हो पा रहा, इसी वजह से ये रिक्वेस्ट बिहार सरकार से कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द चेयरमैन की नियुक्ति करें, चेयरमैन बनाएं। इनका रिक्वेस्ट है बिहार सरकार से, नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से रिक्वेस्ट है। तो ये बहुत ही बिग अपडेट है, आपको अब देखना है कि कब तक चेयरमैन की नियुक्ति होती है। मुझे जो पता चला था वो अप्रैल के मंथ में कि
अप्रैल के मंथ तक चेयरमैन बन जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये आज की वीडियो, तो जो बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमें और आपको मिलकर ही एक प्रोटेस्ट करना पड़ेगा चेयरमैन को लेकर, क्योंकि 13 मंथ हो गए अभी तक बिहार सरकार बिल्कुल भी चुप है। चेयरमैन को लेकर कोई भी अभी तक एक अल्फाज भी नहीं बोली है कि चेयरमैन कब बनेंगे, कब तक बन जाएंगे, बिहार सरकार बिल्कुल भी चुप है। तो ये आज की वीडियो, अस्सलाम वालेकुम।